हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सिक्स चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे बुक से, और मैंने आपको दो क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 12 का तो मैंने इवन आपको यहाँ तक वहाँ पे उसका मेन बार भी बना के दिखा दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन 13 है जिसमें कई बच्चों का मेरे पास डाउट आया है कि सर ये मेरे से हुआ नहीं, तो ठीक है जी, हम इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे आपको। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30%। अच्छा, कह रहा बच्चों, एक ना हमारे पास अब की बार एक कंटेनर है जिसमें 1125 लीटर सोल्यूशन है और जिसके अंदर 45% एसिड है। अब मेरे पास एक और कंटेनर है। अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? फर्क एक छोटा सा ये है कि अब तक इस कंटेनर में भी जो होता था वो एक सॉल्यूशन होता था, लेकिन इस बार इस कंटेनर में बच्चों वाटर है। इस कंटेनर में क्या है? वाटर। अब कह रहा है कि इसके अंदर इसमें कितना वाटर डालें, इसमें कितना वाटर डालें कि 25% से ज्यादा हो जाए और 30% से कम हो जाए। यही है ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है। तो अब की बार बच्चों हमें वाटर ऐड करना है। ठीक है, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन था जिसके अंदर कुछ एसिड था, चाहे ज्यादा परसेंट का चाहे कम परसेंट का, लेकिन इस बार कोई एसिड नहीं है बच्चों, यहाँ पे अब की बार वाटर है। तो वाटर के केस में थोड़ा सा केस बदल जाता है। क्या बदल जाता है लीजिए। हाँ जी, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन विद 45% एसिड 1125 लीटर। ठीक है बच्चों, 1125 लीटर। अच्छा, आफ्टर आफ्टर एडिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे रहना, लेट आफ्टर द, तो मान लो बच्चों आपने एक्स लीटर वाटर ऐड किया, सो क्या कंडीशन बनेगी भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बनेगी? एक्स लीटर वाटर ऐड करते ही किसमें, 1125 में 45% जो है वो किससे मोर देन हो जाएगा? 25% ऑफ किसका बच्चों? जैसे ही मैं इसके अंदर, किसके अंदर, गिवन सॉल्यूशन के अंदर एक्स लीटर वाटर ऐड करूंगा तो वो 25% से अबव चला जाएगा। कब? जब हम एक 45% वाले एसिड में 1125 लीटर के 1125 लीटर के 45% एसिड में एक्स लीटर वाटर ऐड कर दूंगा। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, मुझे पता है, यहां पर एक्स ऐड कर दिया होगा, कह रहे हैं कि सर इन दोनों को मिलाने पर ऐसा हुआ। आप काफी हद तक सही हो, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हम प्लस में एक्स नहीं लिखेंगे। रीजन, क्योंकि बच्चों ये जो हिस्सा आया है वो कब आया है? एक्स मिलाने के बाद ही तो आया है। जब हम लोगों ने बच्चों इसमें एक्स लीटर वाटर मिला दिया तभी तो वो 45% से किसमें आ गया, किसमें आ गया जल्दी बता दो, 25% में आ गया। तो अब प्यारे बच्चों इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना, बस हमें इतना पता है कि 45% का जो एसिड है एक्स मिलाने की वजह से 25 में आया और उसी एक्स मिलाने की वजह से वो 30 के बीच में रह जाएगा, और वही एक्स मिलाने की वजह से 25 से अबव तो रहेगा, लेकिन भाई क्या हो जाएगा, साथ ही साथ 30 से लेस देन भी रह जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 25% परसेंट हटाओगे सो, ऑफ हटाओगे मल्टीपल 1125 प्लस एक्स, परसेंट हटाओगे सो, ऑफ हटाओगे मल्टीपल 1125, परसेंट हटाओगे सो, ऑफ हटाओगे मल्टीपल 1125 प्लस एक्स। अब मैंने बताया ना, एक बार इन दो को सॉल्व करो, एक बार इन दो को सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ 25 अपॉन में 100, 1125 प्लस एक्स, 45 * में 1125 अपॉन में 100। एक तो इसको सॉल्व करेंगे, एक करेंगे 45 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1125
लेस देन 30 अपॉन में 100 इंटू 1125 प्लस एक्स। तो नीचे से 100 से नीचे कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई में 1125 प्लस 25x और 45 इंटू में 1125। बच्चों ये प्लस का हिस्सा वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 45 इंटू में 1125 माइनस 25 इंटू में 1125, ठीक है बच्चों। क्या कॉमन आ रहा है, 1125 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 45 माइनस 25, तो 25x 1125 और ये इतने में आ जाएगा 20। तो 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, यहाँ पर आके करेगा डिवाइड। तो 25 पहले किससे करेंगे, चलो 5 से कर, 25 से कर दो डायरेक्ट। 25 फोर जा 100 और 25 फाइव जा 1, 25 फाइव जा 145, 125। 45 को 20 से करेंगे तो आंसर आएगा 90 यानी 900। अब इसको सॉल्व कर दो। हाँ जी, तो 45 इंटू में 1125 और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू में 1125 और प्लस 30x। ये प्लस की चीज इधर आके माइनस की हो जाएगी भाई। फोर्टी फाइव और इसमें ये 1125 कॉमन ले लो तो 45 माइनस 30 1125, 45 माइनस 30 15। ओ सॉरी, हाँ जी 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बस 15 टू जा और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 2 से इसको काटेंगे तो बच्चों आ जाएगा 25 जा, ठीक है, और कितना आ जाएगा 25 जा, फिर 26 जा, 27 जा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 22 जा और 0.5, यानी 562.5 से ग्रेटर। तो बच्चों ये बन गया। अब देखो, हाँ जी, तो अब हमने जब सॉल्व किया तो ये बना हमारे पास। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितने लीटर वाटर ऐड करना चाहिए अगर मुझे 25% से अबव और 30% से नीचे चाहिए। तो बस ठीक है जी, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड मैंने क्या देखा कि बच्चों मुझे वाटर 562.5 लीटर से तो ज्यादा ऐड करना है, लेकिन 900 लीटर से कम ऐड करना है अगर मुझे एसिड की परसेंटेज 25% से ज्यादा और 30% से क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हम लिखेंगे वी हैव टू ऐड वाटर, वी हैव टू ऐड वाटर टू द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन 900 लीटर। चलो ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका नोट कीजिए, फिर अब ग्राफ पढ़ेंगे हम। चलिए बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं, वीडियो पॉज करके बस शुरू हो जाए करो, मिटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम 6.2 और 6.3 इसके बारे में बात करते हैं। 6.2 और 6.3 इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे 6.2 कराना कोई जरूरी नहीं है, अगर मैं आपको 6.3 करा दूंगा आप उससे भी बहुत अच्छे समझ जाएंगे, लेकिन कहीं आपको ऐसा ना लगे कि सर ने ये नहीं करवाया। तो बच्चों मैं इसके तीन टाइप के क्वेश्चन उठा रहा हूं और वो तीन टाइप के क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, फिर फैसला करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अगर मान लीजिए 6.2 का बच्चों क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट उठा रहा हूं, x प्लस वाई लेस देन 5, कह रहा है इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो,
ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आप इसे लेट करो, x प्लस वाई बराबर 5, और x की वैल्यू निकाल लेंगे 5 माइनस वाई। यहां बनाएंगे बॉक्स जैसे आप छोटी क्लासेज में करते थे, एक्स वाई। अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूं तो ये 0, और अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x 5। अब इसका ग्राफ क्रिएट करना है, तो देखिए जरा यहां पे करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स पे, वन टू थ्री फोर फाइव। मुझे पता है कि अभी ग्राफ प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैं मार्क यानी जो कर रहा हूं वो अपने अंदाजे से कर रहा हूं, मेरे पास कोई स्केल नहीं है। अच्छा, तो पहला है 0 5, तो बच्चों 0 5 तो ये होता है। अगला है 5 0, तो बच्चों 5 0 ये होता है। ठीक है, अब यहां से हमने कर दिया क्या, ग्राफ खींच दिया, और ग्राफ खींच के यहाँ पे, ठीक है ठीक है, एरो लगा दो, एरो लगाना कोई दिक्कत नहीं, और ग्राफ खींच के ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, एक्स प्लस वाई लेस देन क्या है भाई, 5। बस इस तरीके से आपको ये 6.2 कहता है, ये आपको क्या कहता है, 6.2 कहता है। अब इसके अंदर एक कंडीशन और आती है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये क्या कंडीशन आती है कि ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये भी चेक करना आना चाहिए। तो बच्चों ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो आप लिखो अब इस वाली को, नाउ नाउ एक्स प्लस वाई लेस देन 5, ये थी ना आपके पास इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को लिख दो। लिख दिया बच्चे आपने, लिखने के बाद बताए क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है आपको। क्या काम करना है आपको, यहां पे वैल्यू पुट करनी है 0 0, पुट 0 0, बस इतना सा करना है। तो 0 प्लस 0 और ये 5, ये 0 5। हाँ जी, क्या 5 0 से बड़ा होता है बच्चों? हाँ जी बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब आ गई कंडीशन ट्रू। इसका मतलब कंडीशन क्या आ गई, ट्रू। तो अब एक बात याद रखना बच्चों, अगर कभी भी कंडीशन ट्रू आ जाए तो इसका एरिया जो होगा वो भाई किधर, ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा। किस तरफ बढ़ेगा, ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ओरिजिन की तरफ बढ़ने पर ही हम लोग ट्रू बताते हैं। ठीक है, अब जैसे एक कंडीशन और बताता हूं, जैसे देखना इसमें फॉल आएगी, फॉल्स आएगी, शायद फॉल्स आएगी इसमें। जैसे इसमें फॉल्स आएगी बच्चों, कंडीशन सेकंड देखो, 2x प्लस वाई, ठीक है इसको यहां लिखता हूं, रुक जाओ यहां लिखता हूं। सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, अब पहले से इक्वल टू दिया हुआ है तो लेट करने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही बराबर है 6 के। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का 2 आ जाके माइनस का 2x, ये बन गया। अब बनाओ आप ये, ठीक है एक्स वाई, ठीक है एक मिनट बच्चों, एक मिनट होल्ड करना। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे, ठीक है ये देख लेना, थोड़ा सा मैंने इसको किया है यहाँ पे सही, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करके देखो, क्या वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। अगर मान लीजिए एक्स की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं तो वाई कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्स की जगह पर, अगर मैं एक्स की जगह पर 3 पुट करता हूं तो वाई क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 2 6। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं जरा ग्राफ। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा ग्राफ। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6,
ये 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अब पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 0 6, तो 0 6 तो यहां बनता है 0 6। अगला है 3 0, तो 3 0 तो भैया यहां बनेगा, 3 और 0 मिला दो ग्राफ को, ये हमने मिला दिया बच्चों ग्राफ को, और यहां पे इसके नीचे फिर इक्वेशन लिख देंगे। इसकी इक्वेशन है 2x + y > 6, > 6, ठीक है बच्चों। अच्छा अब क्या है, अब हमें पहले ट्रू और फॉल्स चेक करना पड़ेगा। नाउ 2x + y > 6, अब क्या करेंगे, पुट 0 0, बस पुट 0 0 से ही चेक हो जाएगा, ठीक है, और किसी वैल्यू को पुट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 0 बेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये बन गया 0 + 0 > 6। तो हाँ जी बताओ क्या ये कंडीशन सही है, क्या 0 कभी 6 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है? जी कभी नहीं हो सकता, तो फॉल्स होगी कंडीशन, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ग्राफ तैयार होता है, जो एरिया तैयार होता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, फॉल्स पे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ट्रू पे टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो इसी के साथ 6.2 आपको पूरी खत्म करनी है, मैं सीधा 6.3 पर आ रहा हूं, जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके, चलो कर लिया होगा, और वैसे मैंने टाइम दे दिया था आपको ये नोट करने के लिए, है ना, तो आपने नोट कर ही लिया होगा। हाँ जी बच्चों अब सीधा मैं 6.3 पे आ रहा हूँ, ठीक है, सीधा 6.3 पे आ रहा हूँ। ये देखिए पहले मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है आपको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है जी, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। तो आपको तो अच्छे से पता ही है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सबसे बस यहाँ पे सॉल्व तो करेंगे नहीं, डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे, डायरेक्ट हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। हाँ जी x है आपका 1 2 3 4, y आपका 1 2 3 4, हाँ जी x कितना है 3, ये रहा 3, और यहीं से ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर। अब कितना है y, y कितना है आपका greater than equal to 2, तो भैया ये रहा आपका y इधर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे x is greater than equal to 3 और यहां पे लिखेंगे y is greater than equal to 2, दोनों चीजें लिख दी। अब now now x is greater than equal to 3, put आपको पता ही है 0 0, तो ये 0 greater than equal to 3, भाई ये तो क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स। अब इसी तरह y के लिए भी put 0 0, तो 0 कंडीशन, हाँ भाई ये भी कंडीशन क्या आई, फॉल्स। तो जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स आई, तो अब इन ग्राफ में हमें चेक करना होता है कि जितनी भी लाइंस आपने खींची हैं, जितनी भी लाइंस आपने खींची हैं, उनमें से कौन सा एरिया कॉमन है, कौन सा एरिया कॉमन है। तो चलिए चेक करते हैं, एक मिनट बच्चों जरा मैं मार्कर उठा लूं, थोड़ा अलग कलर का, ठीक है, अलग कलर का भी मार्कर लेना जरूरी है इस ग्राफ के लिए, ठीक है। देखिए जरा, हाँ जी तो देखेंगे जरा, अब ध्यान से देखना, रेड कलर से मैंने वाई वाले को मार्क किया और कंडीशन क्या है, फॉल्स, कंडीशन क्या है, फॉल्स, इसलिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अच्छा अब आते हैं एक्स वाले पे, अब आते हैं किस पे, एक्स वाले पे, एक्स भी क्या है, फॉल्स, फॉल्स है, तो ये भी क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो लीजिए भाई अवे फ्रॉम द ओरिजिन,
अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों मुझे कि कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा एरिया है जो आपको लाल वाले और ग्रीन वाले में दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो बच्चों मैंने देख लिया, ये वाला जो हिस्सा है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा वो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन। तो इसी को आपको शेड कर देना है, यही आपका रीजन जो है क्या है भाई, दोनों के बीच में कॉमन है, और इसी एरिया को शेड कर दो, आपका आंसर खत्म। बस इतना सा करना है बच्चों, आंसर आपके पास। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में लेवल बढ़ाते हैं, वीडियो पॉज करके लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पॉज कर ली होगी आपने और नोट भी कर लिया होगा। आज ये चैप्टर खत्म, नेक्स्ट क्लास में 7 चैप्टर शुरू करूंगा, परमुटेशन। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप कर ही लोगे, थर्ड फोर्थ, फोर्थ आपको नहीं करना, फिफ्थ, थर्ड फोर्थ सॉरी थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, हाँ नाइन्थ, टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ फोर्टीन। ठीक है बच्चों, देख लो मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, सॉरी एट्थ भी नहीं, एट्थ भी नहीं बच्चों, सॉरी नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ और फोर्टीन्थ। ये सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं, बस आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसा दे दिया गया है कि भाई एक्स क्या है वाई क्या है, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा, बस मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे सेकेंड और थर्ड में से मैं करवाऊंगा आपको थर्ड, ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ ये आप कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं, ठीक है जी, या आप आराम से क्या कर सकते हैं भाई, कवर कर सकते हैं। हाँ जी, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है बच्चों, तो फिफ्थ और सिक्स्थ आप आराम से कर सकते हैं, सेवन्थ और नाइन्थ भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, सेवन्थ और नाइन्थ भी आप आराम से कर सकते हैं, टेंथ मैं कराऊंगा, ठीक है, टेंथ मैं कराऊंगा, इलेवेंथ भी कर सकते हैं, ट्वेल्थ मैं करवाऊंगा, फोर्टीन्थ मैं करवाऊंगा। ये चार क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, थर्ड टेंथ ट्वेल्थ और फोर्टीन। ठीक है चलो, तो देख देख लो कौन कौन सा है, थर्ड टेंथ फोर्थ ट्वेल्थ और फोर्टीन। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो यहां से शुरू करते हैं पहले हम थर्ड। ठीक है, थर्ड तो 2x + y > 6, ठीक है, 3x + 4y < 12, ये दिया हुआ है बच्चों मेरे पास। ठीक है, और भी कुछ है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेकंड भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ठीक, बस थोड़ा सा फर्क है उसमें। हाँ जी, इसके बाद बच्चों अब क्या करेंगे, एक एक करके उठाएंगे। नाउ पहले इस वाली इनइक्वालिटी को ले लो, तो बच्चों लेट करने की तो जरूरत ही नहीं है, लेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, पहले से ही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिया हुआ है। y की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 - 2x ये आ गया, यहां पे इसका ग्राफ प्लेस करेंगे x और y, x की वैल्यू अगर बच्चों मैं 0 रखता हूं तो यहां 6 आएगा, और x की वैल्यू मैं 3 रखता हूं तो यहां पे 0 आएगा। ठीक है, ये बन गया। नाउ अब 3x + 4y < 12, लेकिन बच्चों लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही मुझे इक्वल टू वाली वैल्यू दी है। अब क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लो 3x की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो प्लस की चीज वहां जाके माइनस, और यहाँ पे 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा बच्चों, डिवाइड, तो x की वैल्यू ही आ गई। इसको भी इसके भी ग्राफ को प्लेस करते हैं हम, करेंगे एक्स वाई। हाँ जी, अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो गया, तो 3 4 = 12, ठीक, और अगर मैं वाई की वैल्यू 3 रखता हूं तो 4 3 = 12, 12 में से 12 गया 0, तो ये आ गया 0। चलो जी, अब ग्राफ प्लेस करने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए भाई शुरू करें। तो y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक है और x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है, तो ठीक है जी, 1 2
दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छ सात। हाँ जी, प्लेस करते हैं। अब पहला है 0 से 6, 0 से 6 यहां तक है भैया, 0 से 6। अगला है 3 0, अगला है 3 0, 3 0। हाँ जी, और बच्चों एक बात ध्यान रखना, लाइन खींचते ही इसके इक्वेशन जरूर लिख देना बच्चों। तो 2x+y > 6 ये जरूर लिख देना। अगला अगला है 4 0, यानी x 4 और ये 0, x 4 और ये 0, 4 0। अगला है 0 3, तो 0 3 लगभग भाई 0 3 यहां मिल जाएगा, 0 3। हाँ जी, अब इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे हम। ये रहा इसका ग्राफ, प्लॉट कर दिया और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख दी। क्या है इसकी इक्वेशन? 3x+4y < 12। ठीक है, अब भाई अब हमें क्या करना है? अब समय आ गया है ट्रू एंड फॉल्स पता करने का। नाउ तो हम सबसे पहले ये वाली इक्वेशन उठाते हैं, सबसे पहले ये वाली इक्वेशन उठाते हैं। तो पुट 0 0, तो 2x का 0, y का 0, तो ये पूरा 0 6। हाँ जी, 0 बड़ा है 6 से और इक्वल है, तो ये क्या है कंडीशन? फॉल्स। ठीक है, एक पल को इक्वल को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, इक्वल को नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इनइक्वालिटी पे ध्यान जरूर देना है। ठीक है कि भाई ग्रेटर आ रहा है या लेस देन आ रहा है। नाउ अगला, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम इक्वल को। ठीक है, 4y = तो पुट 0 0 क्या बनेगा? 3 0+4 0 < 12, तो भाई क्या आ गया? ये भी 0, ये भी 0, < 12, तो 0। हाँ जी, तो ये कंडीशन क्या हुई? ट्रू। क्यों? क्योंकि 12 0 से बड़ा है, 12 0 से बड़ा है। अब बच्चे कह रहे होंगे कि इक्वल भी तो आ रहा है, तो बच्चों उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कंडीशन किससे प्रूव की है? 0 0 से प्रूव की है, तो कंडीशन हमारे लिए बन गई ट्रू। अब आपको पता ही है मैंने क्या बताया है, दो ग्राफ, ठीक है, और दोनों अलग अलग तरीके के। तो मैं फॉल्स को बनाऊंगा रेड से और ट्रू को बनाऊंगा ग्रीन से। तो फॉल्स कौन आया भाई? पहला ही ग्राफ, ये वाला 2xy, 2x+y वाला जो ग्राफ है वो हमारा क्या आ गया? फॉल्स। और फॉल्स वाला हमेशा होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, अब हमें चेक क्या करना है? अब आता है हमारा दूसरा, सेकंड वाला। सेकंड वाला आ गया हमारा ट्रू। और ट्रू क्या होता है भैया? ट्रू वाले को तो हम करते हैं किससे? ग्रीन से। ट्रू वाले को चेक कर लो, हमारा आएगा ग्रीन से। अब जो भी एरिया कॉमन आ रहा है जिसमें रेड और ग्रीन दोनों दिखाई दे रहे हैं, उस वाले को आप क्या कर दो? पूरी तरीके से शेड कर दो, यही आपका आंसर है। तो भैया इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? रेड और ग्रीन दोनों दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर तैयार हो चुका है। फटाफट कर लो इसे, फटाफट कर लो, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। ठीक, इसके बाद हम करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3x+4y < 60 और x प्लस में 3y < 30, और कह रहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये दोनों कोई ग्राफ नहीं है, ये दोनों कोई ग्राफ नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि इनकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो हर हाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो हर हाल में कौन से क्वाड्रेंट बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो पहले इसको उठाएंगे। हाँ जी, तो 3x+4y 4y < 60, सो आपको तो लेट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर दे रखा है। x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस को
फोर वाई इधर आके माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, ठीक है। एक्स वाई, हाँ जी वाई की वैल्यू जीरो रख दूं तो ये खत्म, तीन से इसको काटोगे 20 आएगा। अच्छा अब अगर लेकिन मैं y की वैल्यू 15 रख दूं, y की वैल्यू कितनी रख दूं 15, तो 15 4 जा 60, 60 60 कट गया 0। नाउ अब देखेंगे x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 30, और आपको लेट करने की जरूरत नहीं है, x प्लस में 3y बराबर 30 और x की वैल्यू 30 माइनस 3y, कोई दिक्कत, ग्राफ आपके सामने तैयार। एक्स वाई, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 30 आएगा, और y की वैल्यू 10 रख देंगे तो ये 0 आएगा, सही बात है। चलिए ग्राफ तैयार करते हैं, ग्राफ तैयार करेंगे, या इतना बड़ा उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं ना, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, सीधा यहां से खींचता हूं। अब बच्चों मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 10 20 का हिसाब किताब बन रहा है, 15 का भी हिसाब किताब बन रहा है, तो इसका मतलब 5 से शुरू करूंगा, 5 10 15 20 25 ठीक है 30 35 ठीक है, 5 10 15 20 25, अब जो जहां पर है उसे लगाओ, पहला 20 0 ये रहा भैया 20 0, अगला 0 15 0 15 0 15 0 15 मिला दो भाई, आपको तो स्केल से करना है सारा काम ग्राफ पेपर पर, ठीक है। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, अगला, हाँ जी अगला क्या है, 30 0 30 0, अगला 0 10 ये रहा 0 10 0 10, ग्राफ खींचेंगे भाई, ये हमने ग्राफ खींच दी और यहां पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे जल्दी से, क्या है x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 30। नाउ चलो नाउ क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे अब 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60 पुट, हां जी 0 0 करना जरा पुट, 3x का 0 y का 0 60 0, तो भाई 60 तो आ गया, ग्रेटर मतलब कंडीशन ट्रू। अगला, हां जी x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, वही करेंगे पुट 0 0, तो 0 प्लस 3 y 0 ग्रेटर देन 30, तो ये पूरा 0 भाई, ये भी कंडीशन क्या आ गई ट्रू। अब मैंने आपको बताई दिया था इनका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर हर हाल में बनेगा, और जो भी कंडीशन है दोनों के दोनों ट्रू हैं, तो भैया दोनों को दोनों ग्रीन से बनाएंगे तो अजीब सा लगेगा, तो मैं एक को ग्रीन से एक को रेड से बना रहा हूं, ठीक है। तो भाई कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, दोनों के दोनों किस में आ रहे हैं, ट्रू में आ रहे हैं, तो जो इनका एरिया कॉमन कटे उसको काटो, जो नहीं कटे छोड़ो। हाँ जी तो देखो हमें देखना है कि कौन सा एरिया कॉमन कट रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों ट्रू हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, ओरिजिन की तरफ ही होंगे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ भाई तो कितना एरिया कॉमन कटा, ठीक है कितना एरिया कॉमन कटा, तो भाई हमारा देख अगर हम देखेंगे तो बच्चों जितना भी एरिया कॉमन कट रहा है वो एरिया कौन सा कॉमन कट रहा है बच्चों, इधर का एरिया कॉमन कट रहा है, समझ रहे हो, इधर का एरिया कॉमन देख रहे हो, ये पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एरिया कॉमन कटा, तो प्यारे बच्चों देखो ये वाला एरिया जो है ये वाला, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, तो देखो इस वाले एरिया को देखो, देखोगे अगर तो इसमें आपको वाई ये क्या नाम है रेड वाले और ग्रीन वाले दोनों के दोनों आपको दिखाई दे जाएंगे इस वाले में, दिख रहे हैं ठीक है, रेड वाले और कौन से वाले बच्चों ग्रीन वाले दोनों दिखाई दे जाएंगे, तो आपका ग्राफ बन गया ये,
तो ठीक है। और हाँ, आप कहोगे कि सर ये भी तो आ रहे हैं कॉमन। अरे कहाँ कॉमन आ रहे हैं मेरे भाई, कहाँ कॉमन आ रहे हैं। तो ये वाला छूट गया, ये वाला छूट गया। अब कहोगे कि ये देखो कट रहे हैं सर। तो भाई कट रहे हैं तो मैंने क्या बताया कि इस वाले में हर हाल में आंसर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट में सिर्फ ये है, तो इसीलिए हम सिर्फ इसको ही मार्क करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो इसको, जो फर्स्ट में होगा सिर्फ उसी को मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया होगा आपने, और वीडियो पॉज करके ये नोट कर लिया होगा। चलो अच्छा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नहीं, 12 तो मैंने बोल दिया था ना करने के लिए तुम्हें खुद ही। 14 करते हैं। ठीक है, चलो। अब आपके पास ग्राफ है 14 का, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 180, सॉरी ओनली 80 है, और एक्स इज लेस देन 15, और वाई है, फिर वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, बस इतना ही पता है हमें इसके बारे में। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। नाउ 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, हाँ कि ना, लेट करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही बराबर दे रखा है। x की वैल्यू निकाल लो, 150 प्लस का 2y इधर आके माइनस, 3 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड। चलो हाँ जी, तो 150 माइनस 2y अपॉन में 3। तो अगर मैं y की जगह भाई क्या रख दूं, 0, तो आपको पता ही है खत्म, 3 से कट जाएगा, आएगा 50। लेकिन अगर मैं y की जगह 75 रख देता हूं, तो 75 टू जेड 150, 150 से 150 कट गया, 0 ना हो। हाँ जी, अब क्या करेंगे, हाँ जी अब क्या करेंगे, अब है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, और आपको फिर से पता है लेट करने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू निकालेंगे, 80 माइनस 4y, ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंटेड है, एक्स वाई, हाँ जी वाई की वैल्यू क्या रख दूं, 0, तो ये आ जाएगा 80। हाँ जी वाई की वैल्यू क्या रख दें, जल्दी बोलो, अगर वाई की वैल्यू रख देता हूं मैं 20, तो ये आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 24 जाए 80, कट गया 0। और नाउ अब आपको एक लास्ट ग्राफ और दे रखा है कि एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 15। हाँ जी, अब जैसा कि मैं देख रहा हूं नंबर मेरे पास 5 के मल्टीपल में है, किसके मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल में है, तो मैं भाई 5 के मल्टीपल में आगे बढ़ूंगा, और x मेरे पास 80 तक है, जबकि y मेरे पास 75 तक है, और सारे के सारे नंबर किसमें है, सारे के सारे नंबर मेरे पास भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि इसने मुझे बता दिया कि भैया तेरा ग्राफ जो बनेगा ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू करते हैं किससे, 10 से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इसी तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, ये बना लिया। अब फटाफट कर लेते हैं, पहला है 50, 0, 50, 0, फिर है 75, 0, 75 होगा 80 और 70 के बीच में, तो ये आ गया आपका 0, 75। और इसको भैया खींच के ले जाओ यहां से, और ले जाओ यहां से, तो आपका ये बन गया कितना, ये बन गया भाई कौन से ग्राफ का, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, ये आपका ग्राफ आ गया। अगला है आपका कौन सा भाई, 80 और 0, 80 और 0, 80 और 0, और अगला है 0, 20, 0, 20। ठीक है,
020 बच्चों, वो मेरे लाइनें टेढ़ी हो रही है तो ये मत समझना कि ऐसे आप भी बना दो, ठीक है? आपको पूरा प्रॉपर स्केल से बनाना है। अगला x इक्वल टू 15, 15, 15 कहाँ है भाई? 0 और 20 के बीच में, तो बस यहीं से ऐसे, यहीं से ऐसे यहां पे लिख देना x इज लेस देन इक्वल टू 15। नाउ अब इसमें तीन ग्राफ आ गए ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। नाउ सीधा भाई क्या, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, ठीक है? पुट क्या करोगे जल्दी बता दो, 0 0 एक बार पुट करना है, काम हमारा खत्म। तो 0 और ये 150, हाँ जी कंडीशन बोल दो, ट्रू। नाउ x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फिर से पुट क्या करेंगे, 0 0, तो 0 प्लस 0 और ये भी पूरा 0, तो फिर 80, हाँ जी 80 अभी भी बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू। नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 15, पुट 0 0, तो भाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये भी कंडीशन ट्रू। तो मतलब सारी तीनों की तीनों कंडीशन हो गई ट्रू। तो एक को मैं बनाऊंगा ब्लैक से, एक को मैं बनाऊंगा ग्रीन से, एक को बनाऊंगा मैं रेड से, ठीक है? तो आपको क्या करना है, हाँ जी, तो सारी के सारी तो भाई ट्रू ही है। तो जब ट्रू है तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली को, 80 वाली को, सॉरी पहले इस वाले को मैं ग्रीन से बना रहा हूं। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, देखते हैं कौन सा एरिया कॉमन आता है, ठीक है? अब आता है ये 80 वाला सेकंड, इसको बना रहा हूं रेड से, ठीक है? अब आता है कौन सा, अब आता है x इजिकल टू 15 वाला, तो इसको मैं ब्लैक से ही बना रहा हूं, देखते हैं कौन सा एरिया इसका कॉमन आता है, ठीक है? तो चलो भाई, तो भाई एरिया तो एक ही कॉमन आया जिसमें ग्रीन रेड और ब्लैक तीनों दिख रहे हैं, तो इस डब्बे में, तो भाई इस डब्बे को मार्क कर दो। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और तीनों डब्बों में भी आ रहा है, यानी कि रेड में भी आ रहा है, ब्लैक में भी आ रहा है, ग्रीन में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तो आपका आंसर ये है, ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से चाहे दो ग्राफ आए, तीन ग्राफ आए, चार ग्राफ आए, खींच डालो बस इस तरीके से, ठीक है? चलो फटाफट नोट कर लो इसे, अभी कुछ साफ सुथरा बनाना प्यारा प्यारा, ठीक है? नोट करो, फिर इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूं, थोड़ी सी कंडीशन उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है? नोट करो इसे, चलो चलो लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं इसको। नोट कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके, बिल्कुल तसल्ली से करना है एक एक काम, जैसे मैं आराम आराम से मैं भी करवा रहा हूं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको भी करना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर खत्म। कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से चली जाए, अगर कोई लाइन ओरिजिन से चली जाए तब क्या करें? तो एक लास्ट कंडीशन यही है आपके लिए, इसके बाद आपके पास और कोई कंडीशन नहीं बचती है। तो आइए शुरू करते हैं आखिरी कंडीशन, ठीक है? जिसके क्वेश्चंस हैं, जिसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर एक तो था आपके पास, बताता हूं मैं, एक तो है आपके पास क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? फिर 8, ठीक है? फिर 13 और फिर 15, ठीक है? ये चार क्वेश्चन वो हैं जो ओरिजिन से जाएंगी, कहां से जाएंगी, ओरिजिन से। तो मैं सीधा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 पे लेके जा रहा हूं, और इसके बाद आपको 4, 8 और 13 खुद करने हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, और फिर ये तो आपको पता ही है कि क्या कह रहा है, ठीक है? चलो, और फिर भी कोई डाउट आया इनमें तीनों में से तो मेरे को बता देना, एक वीडियो और बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है? वैसे सफिशियंट है ये, इसको इसी को देख लोगे तो ये सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों? चलो हाँ जी, तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट क्या करना है, पहले ही बराबर दिया हुआ है, तो नाउ एक्स टू वाई 10, हाँ जी, तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर 10, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 10 माइनस 2 वाई,
बनाओ भाई जरा इसका ग्राफ। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए y की जगह पे 0 रखते हैं तो ये आएगा 10, और अगर y की जगह पे 5 रखते हैं तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, नाउ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, 1 ही है ना, मुझे क्यों शक हो रहा है। हाँ 1 है। ठीक है, तो ये आ गया 1। x की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस वाई। हाँ जी, तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये 1, और इसकी जगह 0 रखेंगे तो ये 1। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है। अगर यहां पे देखो, x की जगह ये y की जगह पे 0 रखोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 0 1, और अगर y की जगह पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0। नाउ अब अगला क्या आता है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको तो पता ही है, x माइनस वाई बराबर पहले ही आया हुआ है 0, x बराबर वाई। और भाई x बराबर वाई का जो कंडीशन बनता है बच्चों, वो ये कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है कि अगर, हाँ जी, x को 0 रखोगे तो y भी 0 आ जाएगा, और अगर x को 1 रखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1। तो बस बात खत्म। 4, 8, 13 ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो बच्चों मैं यहां बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है, अब की बार मैं ग्राफ यहां बना रहा हूँ। तो x हाईएस्ट कितना है, 10 है, तो थोड़ा सा इधर खिसका देंगे इसको हम। और y हाईएस्ट कितना है, बस इतने में तो हो जाएगा काम हमारा। हाँ जी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ही दे रखी है। चलो ठीक है, तो ये आ गया आपका y, आपका आ गया x। ठीक है, चलिए तो पहला ग्राफ बनाते हैं, 10 0, 10 0। दूसरा ग्राफ बनाते, पहले का ही दूसरा पॉइंट है 0 5, तो 0 5, और इसी के साथ इसको खींच के मैं आगे तक ले जाऊंगा, और यहां पे लिखूंगा x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 10। अगला है 1 0, 1 0, और अगला है 0 1। तो ये रहा 0 1। ठीक है बच्चों, और इसके ग्राफ को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं, और यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगला ग्राफ है x माइनस वाई का, तो 0 0, ये रहा 0 0। फिर है 1 1, तो 1 1 लगभग 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 आपको यहां पे मिलेगा 1 1। और ये देखिए, अब की बार लाइन जाने में थोड़ी सी हुई चेंजिंग, ये पॉइंट था 1 1, ये पॉइंट था 0 0। ठीक है, अब की बार लाइन थोड़ी सी अलग जगह से गई। कहां से गई, ओरिजिन से। कहां से गई, ओरिजिन से। तो बच्चों थोड़ा सा ग्राफ में आएगा चेंज, थोड़ा सा ग्राफ में क्या आएगा, चेंज। क्या चेंज आने वाला है ग्राफ में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। खत्म हो गया इसके बाद ये चैप्टर। ठीक है, नाउ पहले तो आ जाओ अब ट्रू फॉल्स पे। एक्स प्लस 2y 10। हाँ जी, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये ओरिजिन से जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहां पे पुट करेंगे 0 0, पुट करेंगे 0 0। तो 0 प्लस 0, तो ये पूरा 0। कंडीशन क्या बनी, ट्रू बनी। नाउ तीसरे को उठाओ, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ जी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला क्या ओरिजिन से जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहां पे भी क्या पुट करेंगे, 0 0। तो 0 प्लस 0 1 0। हाँ जी, तो 0 का भी 1 से ग्रेटर तो होती ही नहीं सकता, तो फॉल्स। नाउ अब आता है हमारे पास एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी, क्या ये ओरिजिन से जा रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल ओरिजिन से जा रहा है। तो जो लाइन ओरिजिन से जाएगी वहां पे आप पुट करेंगे 0 और 1। क्या पुट करेंगे, 0 और 1। तो 0 माइनस 1 लेस देन 0, तो -1। हाँ जी बच्चों, तो भाई -1 से तो ग्रेटर होता है ना 0, भाई 0 जो होता है वो -1 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या आई, बिल्कुल ट्रू। इसका मतलब कंडीशन क्या आई, बिल्कुल ट्रू। क्यों, क्योंकि -1 से बड़ा होता है 0। तो लो जी, हमारे पास तीनों कंडीशन आ गई। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको अच्छे से पता है कि मैं पहले 10 वाले को, इस वाले को, पहले वाले को ग्रीन से कर रहा हूं, और कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक, अगला, हाँ जी, +1 क्या आया, फॉल्स। फॉल्स आया तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन।
अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हां जी, अब ओरिजिन से जाने वाली लाइन, जो लाइन खुद ओरिजिन से जा रही है, तो याद रखना बच्चों, तो याद रखना आप लोग हमेशा क्या याद रखना चाहोगे जल्दी बताओ, कि अगर कंडीशन आती है ट्रू, अगर कंडीशन आती है ट्रू, तो आप इसका ग्राफ वाई की तरफ बनाएंगे। ट्रू के केस में, ठीक है, यहां मैं बता देता हूं इसका, यहां बता देता हूं ओरिजिन वाले का, ओरिजिन वाले का केस, अगर कंडीशन है ट्रू तो वाई एक्सिस की तरफ लेके जाओ, और अगर कंडीशन है फॉल्स तो एक्स एक्सिस की तरफ लेके जाओ। पल्ले पड़ रही बात? तो बच्चों कंडीशन क्या आई है, ट्रू आई है, तो ट्रू कंडीशन में मैं इसको ब्लैक पेन से ही बना रहा हूं, और भाई ट्रू कंडीशन में ओरिजिन से जाने वाला किसकी तरफ जाता है, वाई एक्सिस की तरफ जाता है, किसकी तरफ जाता है, वाई एक्सिस की तरफ। तो बताओ ऐसा कौन सा एरिया है जो तीनों में कॉमन आया है, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये 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 और ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया कॉमन आ गया है, ये पूरा एरिया क्या आ गया है बच्चों, कॉमन आ गया है। तो प्यारे बच्चों आपके सामने आपका ओरिजिन से जाने वाला ग्राफ रेडी है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 होता है खत्म, और साथ ही आपका चैप्टर भी होता है खत्म। ठीक है, तो ओरिजिन वाली केस भी मैंने आपको बता दिया कि अगर ओरिजिन से लाइन चली जाए तो क्या करना है, ट्रू आएगा तो वाई एक्सिस की तरफ, फॉल्स आएगा तो एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों तरफ ग्राफ खींचने हैं। सारे ग्राफ आपको करवा चुका हूं, नेक्स्ट क्लास में आपका नया चैप्टर शुरू होगा, और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे मैसेज कीजिएगा और मुझे बताइएगा, तो फिर मैं एक वीडियो उस पर ही बना दूंगा। तो चलिए आज ये आपका चैप्टर होता है खत्म, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।